स्टूडेंट, आज हम समझने वाले हैं कम्युनिकेशन को। मैं हेमचंद, NNJITI से। आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक पीसी जनरेटर पर। ही एक टॉपिक हमारा है कम्युनिकेशन, तो इसको समझने वाले हैं आज हम। इसको बहुत आसानी से समझ लेंगे, सीख लेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इस बार हम बात करने वाले हैं इसके डेफिनेशन पे, बात करने वाले हैं इसमें कम्युनिकेशन और रफ कम्युनिकेशन डिस्कशन करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है और इंटरपोल के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, वीडियो लास्ट तक देखना है और समझना है तो फिर आपको समझना आ जाएगा। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतनी बड़ी चीज ये नहीं है। तो समझ लेते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन शब्द क्या है कि कम्युनिकेशन हमारा कम्युनिकेटर को होने वाली प्रोसेस है। ठीक है, डीसी जनरेटर से हम जब EMF पैदा करते हैं, कम्युनिकेटर लगाते हैं, तो कम्युनिकेटर से हमें डीसी मिलता है। तो कम्युनिकेटर पर जो प्रोसेस हो रही है उसका रिएक्शन जो एक कहते हैं कि उस पर एक ये फॉल्ट है उसका, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब जनरेटर से, ठीक है, जनरेटर चल रहा है, कार्बन ब्रश दो सेगमेंटों को जब शॉर्ट करेगा, ठीक है, कार्बन ब्रश के द्वारा, जैसे ये कम्युनिकेटर है, ये सेगमेंट है, ठीक है, इनके बीच में हमारा बना रहता है, ये शॉर्ट एक दूसरे से शॉर्ट नहीं रहते हैं, दोनों डिफरेंट मतलब एक दूसरे से सेम रहते हैं, ठीक। तो जब कार्बन ब्रश जब दो सेगमेंटों को शॉर्ट करता है तो उससे जुड़ी जो कॉइल होगी, जैसे ये सेगमेंट है तो इनके बीच में यदि कार्बन ब्रश आता है तो ये सेगमेंट क्या करेगा, शॉर्ट करेगा। तो इसके बीच में जो ये कॉइल है, जहां पर EMF जो कंडक्टर है, आर्मेचर है, तो आर्मेचर पे जो कॉइल है वो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो उस शॉर्ट होने की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन क्या होता है कि इस शॉर्ट होने से पहले और जब शॉर्ट हो रहा है और उसके बाद की प्रोसेस को आप बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा क्या है कि कम्युनिकेटर पर जब कार्बन ब्रश दो सेगमेंटों को शॉर्ट करता है तो सेगमेंटों से जुड़ी जो कॉइल होंगी वो क्या हो जाएंगी, शॉर्ट होंगी। तो उसके शॉर्ट, कार्बन ब्रश के शॉर्ट होने से पहले, कॉइल के शॉर्ट होने से पहले, शॉर्ट होते समय और शॉर्ट होने के बाद के प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। समझ में आ गया होगा। अब स्मूथ कम्युनिकेशन और रफ कम्युनिकेशन को समझते हैं। स्मूथ कम्युनिकेशन क्या होता है, जब ये प्रोसेस जल्दी जल्दी हो रही होगी, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रफ कम्युनिकेशन। स्मूथ कम्युनिकेशन बोला जाएगा जब बहुत स्लो में हो रहा है, बहुत स्लो कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है, जो शॉर्ट की प्रोसेस चल रही है बहुत स्लो चल रही है, तो उसको बोलते हैं हम स्मूथ कम्युनिकेशन। और फास्ट हो रही होगी तो उसको बोलेंगे हम रफ कम्युनिकेशन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन समझते हैं, इसको आप डिस्क्राइब करते हैं कम्युनिकेशन को। जैसे कम्युनिकेटर है तो कम्युनिकेटर पे हमारा मान लेते हैं तीन कम्युनिकेशन, हम तीन सेगमेंटों से सीखते हैं, ठीक है, तीन सेगमेंटों से सीख लेते हैं, ये तीन सेगमेंट, इसके बीच में सेगमेंटों के बीच में हमारा ये क्या बना रहेगा, कवर बना रहेगा, सेम रहेगा सेगमेंट, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं S1 और ये S2 सेगमेंट का नाम देते हैं। और यहाँ पर कॉइल है A, B और एक C, इस कॉइल का नाम A रखते हैं, इसका B रख लेते हैं, इसका C कॉइल रख लेते हैं, ठीक है। अब जब कार्बन ब्रश हमारा कहाँ पर है, एस पर है, पहली से, पहले पूर्व से, पूर्व में क्या हो रहा है कार्बन ब्रश, अब जब ये मेरा कार्बन, ये मेरा कम्युनिकेटर है, कम्युनिकेटर जैसे मैंने इसके साथ में बनाया है, आपके समझ में आ रहा होगा, जब ये घूमेगा कम्युनिकेटर जब घूमेगा तो उस समय क्या होगा कि कार्बन ब्रश तो स्थिर है, लेकिन प्रतीक जब वो क्लॉकवाइज घूम रहा है हमारा कम्युनिकेटर, तो हमें कार्बन ब्रश कैसा प्रतीक लगेगा कि वो एंटीक्लॉक घूम रहा है, ठीक है। तो उस प्रोसेस में मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, इसकी डायरेक्शन ये रहेगा, मतलब एक क्लॉकवाइज चल रहा है तो एंटीक्लॉक चल रहा होगा, ठीक। तो अब मतलब ये यहाँ पर है कार्बन ब्रश है, इसको हम ए दे देते हैं कार्बन ब्रश का नाम। जब ये सीमेंट, अभी ये सीमेंट से जुड़ा है, तो इस सीमेंट से जुड़ा है तो इस समय क्या होगा, इसमें प्रोसेस क्या हो रही होगी, इसमें प्रोसेस क्या हो रही होगी कि यहां पर, यहां से भी करंट आ रहा होगा, यहां से भी करंट इसमें आ रहा होगा, ठीक है। और
अब इसमें यहां पर भी करंट आ रहा है और यहां पर भी, यहां से करंट आ रहा है, इसमें इसके थ्रू बाहर को निकल रहा है, सॉरी में आ रहा होगा। अब जब इसके बाहर की कोशिश क्या होगी, इसके बारे में कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटर के सीमेंट है, ठीक है, और ये कॉइल है। अब जब ये कार्बन क्रश इन दोनों को शॉर्ट करेगा, ठीक है, अब इससे पहले मतलब कार्बन क्रश के शॉर्ट दो सीमेंटों को शॉर्ट करने से पहले और करते समय और करने के बाद की प्रोसेस को हम कम्यूटेशन बोलते हैं। तो इसमें तो शॉर्ट, इसमें शॉर्ट नहीं लगा, इसमें क्या है सिंपल अपनी अवस्था में पहले की बात चल रही है पूर्व की। अब ये इसमें शॉर्ट कर रहा है, मतलब इसमें शॉर्ट कर रहा है दो सीमेंटों के, S1 S2 को शॉर्ट कर रहा है इसमें। तो इसमें जो ये मेरी ये कॉइल है, मान लेते हैं ये A कॉइल है, ये B है और ये C है, तो इसमें जो बी कॉइल है, बी कॉइल क्या होगी शॉर्ट होगी, क्योंकि अभी करंट भी यहां से भी बन रहा होगा, यहां भी बन रहा होगा, दोनों में करंट बन रहा होगा, तो इसमें जो ये कॉइल है ये शॉर्ट होगी। इस प्रोसेस में क्या है, अभी ये कॉइल शॉर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब ये शॉर्ट होने की प्रोसेस को दो सेगमेंटों के बीच जब शॉर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम कम्यूटेशन भी बोलते हैं। तो अब इस समय क्या हो जाएगा, ये कॉइल शॉर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, इससे जब इसके बाद की प्रोसेस को हम समझते हैं, ठीक है, अब समझते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा S1, ये S2, अब कार्बन का समूह S1 पर आ गया, A कॉइल है, B कॉइल है, C कॉइल है, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये यहां से जब इधर टच होगा तो इस समय क्या होगा कि ये तो EMF बनाएगा, इसको EMF बनाना चाहिए यहाँ को, लेकिन इस समय ये कुछ समय पहले उससे पहले क्या होगी शॉर्ट हो रही थी। उस समय क्या होगा कि जब ये शॉर्ट हो रही थी तब इधर आएगा, तो इसमें क्या होगा कि ये इंडक्शन पैदा करेगा, सेल्फ इंडक्शन पैदा करेगा। सेल्फ इंडक्शन पैदा होने के कारण क्या होगा, इसमें करंट का विरोध होगा, ठीक है। विरोध होने से क्या होगा कि इसमें से करंट का विरोध होगा, तो उसको हम बोलते हैं कोई कॉइल या किसी करंट का विरोध कर रही है तो उसको हम इंडक्शन, उससे क्या होता है इंडक्शन पैदा होता है, मतलब होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि इस सीमेंट से H2 से कार्बन क्रश की ओर जाएगा, और यहां पर क्या होगी स्पार्किंग स्टार्ट हो जाएगी, स्पार्किंग होगी, फिर ये इधर आ जाएगा, थोड़ी सी स्पार्किंग होगी इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस, तीन प्रोसेस इसमें होती है। तो इन तीनों प्रोसेस को आप समझ गए, देखो एक तो हमारा यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने से पहले की बात है, इस समय शॉर्ट सर्किट हो रही है कोई, और शॉर्ट सर्किट होने से बाद की बात है, ये पहले का है, ये होते समय है, बाद की बात है। तो ये तीनों को हम समझ चुके हैं कम्युनिकेशन में। अब समझते हैं इंटरपोल को। इंटरपोल क्या होता है, जो ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस है, स्पार्किंग होती है इसमें, ठीक है। इस स्पार्किंग को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरपोल का यूज करते हैं। इंटरपोल क्या होता है, जैसे मेरा जनरेटर है, जनरेटर में पोल होता है, तो पोल के ही जैसे फोर पोल का जनरेटर मान लेते हैं, एक फोर पोल का जनरेटर है, इसके बीच में अतिरिक्त पोलों को हम लगा देते हैं, तो इसको हम इंटरपोल बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच में हमने अतिरिक्त पोल लगा दिए, तो ये क्या क्या कह लेंगे इंटरपोल, ठीक है। ये मेन पोल हो गया, ये हमारा मेन पोल हो गया है, मेन पोल रहेगा, और ये हमारा रहेगा इंटरपोल, ये क्या रहेगा इंटरपोल। इंटरपोल के जो कनेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे बीच में आर्मेचर है, ठीक है, तो इंटरपोल का जो कनेक्शन रहेगा वो आर्मेचर के सीरीज में लगा, ठीक, मेन पोल, और आप इसमें लगाते रहते हैं जो इसमें प्रक्रिया होगी, ठीक है। मान लेते हैं इसका रोटेशन ऐसे हो रहा है, तो जो फर्स्ट जो एंड इसका एंड रहेगा वो इसका एंड रहेगा, और इसका जो एंड रहेगा वो इसका एंड रहेगा, इसका एंड इसका एंड, ये एस और ये इसका एंड, ये एंड रहेगा, और ये एस है तो ये एस रहेगा। तो इस टाइप से इंटरपोल की प्रोसेस चालू होती है, और इसको हम लगाते क्यों हैं, क्योंकि जब कम्युनिकेशन होगा तो कम्युनिकेशन में स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग के कारण क्या होगा कि सेगमेंट से जो कंडक्टर से जो कंडक्टर जुड़ा हुआ है, हम सोल्डरिंग करी रहेंगे, तो सोल्डरिंग क्या होगी हमारी उखड़ सकती है, और कार्बन क्रश में बहुत ज्यादा हीट हो सकता है, ठीक है। तो हीट होने के कारण क्या होगा कि हमारी सप्लाई रुक सकती है, तो उसको दूर करने के लिए क्या करा जाता है, इंटरपोल लगाए जाते हैं,
और इंटरपोल सीरीज में लगाया जाता है हर मिशन पे, और ये कार्बन ब्रशों का हमने लाइसेंस भी इसका बढ़ा दिया जाता है, और जो कंडक्टर है इस कंडक्टर के सीरीज में क्या कराया जाता है, रेजिस्टेंस लगाया जाता है, जिससे क्या है हमारा कम्युनिकेशन की प्रोसेस जो ज्यादा हो, लेकिन इसको हम समाप्त नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन की प्रोसेस को कम कर सकते हैं। कम करने के लिए क्या करते हैं, कार्बन ब्रश, हाई रेजिस्टेंस के कार्बन ब्रश यूज कर लेते हैं, और हम आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं, जैसे हम इंटरपोल हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट करें, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें।